क्या आपको ये 9 लक्षण है तो आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आइए उसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। विटामिन B12 यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन अपने बदन को लगता है, अपने बॉडी को लगता है और वो बॉडी में रहना जरूरी है। उसका ब्लड का जो लेवल है वो है 200 नैनोग्राम से लेकर 900 नैनोग्राम पर ml। और होता क्या है कि काफी सारे लोग जो मतलब कभी टेस्ट भी नहीं करते और उनको कोई सिम्टम रहते, लोग ऐसा अक्सर टेस्ट नहीं करते रहते कि विटामिन B12 क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि 200 नैनोग्राम पर ml के नीचे, 200 के नीचे यदि वो लेवल है तो विटामिन B12 कम है, अक्सर लोगों में कम रहता है जो वेजिटेरियन है। तो उसके फिर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। और होता क्या है कि जब हमारे पास में काफी सारे लोग आते हैं, पेशेंट्स लोग आते रहते हैं और उनको डॉक्टर बोलते हैं हाँ आप ऐसा करो, वो ब्लड का विटामिन B12 देख लो, और वो अक्सर कम दिखता है लोगों को, 300 है, 350 है, 400, बोलते हैं हाँ विटामिन B12 कम है और करके आपको डिप्रेशन है। तो एक्चुअली वो पेशेंट मिसगाइड हो जाता है। यदि 200 से कम है तो ही हम बोल सकते हैं कि विटामिन B12 कम है। अब ये कम क्यों होता है? तो एक तो उम्र के हिसाब से खान पान में कम, तो उसमें मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें वो कम हो सकता है, एल्डरली पीपल। दूसरा है कि कोई ऑपरेशन हो जाता है, अन्न पचन मतलब अन्न नलिका जो है जहाँ B12 एब्सॉर्ब होता है वहाँ का कभी ऑपरेशन हो गया तो B12 कम हो जाता है। मेटफॉर्मिन नाम की जो दवाई है, मेटफॉर्मिन डायबिटीज के लिए, वो यदि लेते हैं तो उससे B12 कम हो जाता है। जो स्ट्रिक्टली वेगन डाइट के ऊपर है और कम खाते हैं तो उनमें प्रॉब्लम होता है विटामिन B12 का। और हार्ट बर्न के लिए या एसिडिटी के लिए जो लोग एंटासिड लेते हैं तो उनको विटामिन B12 कम का प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज नहीं। क्या होता है कि विटामिन B12 जो है वो हमारे ब्लड में होना जरूरी है, क्योंकि वो DNA के लिए जरूरी है कि जो DNA RBC के प्रोडक्शन के लिए काम में आते हैं, है ना। तो जो विटामिन B12 यदि कम हो जाता है तो RBC जो है मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल पेशी जो है खून की, वो कम मात्रा में तैयार होती है या होगी तैयार तो जल्दी टूट जाती है। और फिर वो यदि कम हो गई तो फिर काफी सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो 9 कौन से ऐसे लक्षण है? नंबर 1, फीकी चमड़ी हो जाना, सफेद चमड़ी हो जाती है या बहुत ही फीकी चमड़ी हो जाती है, क्योंकि एक तरह का जो एनीमिया है जो B12 डेफिशिएंसी आता है उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उससे फीकी चमड़ी हो जाती है, ऐसा तजेला नहीं रहता स्किन के ऊपर और ऐसा फीका फीका लग जाता है, सफेद सा लगता है या पीला सा लगता है चमड़ी। नंबर 2, जल्दी थकान आ जाती है और कमजोरी लगती है, क्योंकि क्या होता है कि RBC जो है वो यदि कमजोर है तो फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्लड का वो कम होता है, सेल को ऑक्सीजन कम मिलता है, फिर जल्दी थकान हो जाती है। नंबर 3, अपने बॉडी में ऐसी चिट्टियां आ गई या ऐसा नमनेस आ गया या सुई चुभ रही है ऐसा सेंसेशन होता है, क्योंकि माइलिन शीथ जो है नर्व्स के ऊपर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में B12 का काम होता है, तो वो चमड़ी में ऐसी सुइयां टोचना ऐसा लगता है या नमनेस आ जाना। नंबर 4, मोबिलिटी मतलब घूमना फिरना जो है तो उसमें थोड़ा बैलेंस जाता है B12 डेफिशिएंसी, इसमें ऐसा बैलेंस जब जाता है उसका और मूवमेंट बहुत ज्यादा फ्रीली होती नहीं है और वो एक विटामिन B12 का लक्षण हो सकता है। 5, जवान जीभ जो है जीवा उसको सूजन आना, ग्लॉसाइटिस बोलते हैं उसको, या मुंह में छाले आना, तो टंग के ऊपर छाले आना, सूजन आना या माउथ में छाले आना वो हो सकता है। 6, सांस लगना, श्वास और चक्कर आना, तो एक सिम्टम हो सकता है। 7, दिखने में थोड़ी कमजोरी, डिस्टर्ब विजन, क्योंकि वो रेटिना के ऊपर भी विटामिन B12 असर करता है। 8, डिप्रेशन, निराशा, मानसिक संतुलन कम मतलब बिगड़ जाता है, निराशा आती है या फिर डिमेंशिया हो सकता है, मतलब भ्रम जैसा और जैसी अवस्था। और 9, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा बुखार आया हुआ मालूम पड़ता है और वो B12 दिया तो बुखार ठीक हो जाता है, बहुत रेयरली है मगर, तो ऐसे 9 लक्षण है, मगर ये बहुत असर रेयर है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों में दिखता है विटामिन B12। फिर लोग क्या करते हैं कि विटामिन B12 बार बार चेक करो और विटामिन B12 के इंजेक्शन लो और उससे भी फिर ठीक नहीं होता है, और फिर लोग बोलते हैं विटामिन B12 तो ठीक मतलब हमने नॉर्मल कर दिया तभी भी ठीक नहीं हो, क्योंकि फिर अलग ही बीमारी रहती है। ज्यादातर लोग जब डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं कि B12 कम है और B12 लेने लगाते, एक्चुअली उनको जरूरत है एंटी डिप्रेशन की। B12 नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत नॉर्मल मतलब बहुत लो है करके। तो यह है विटामिन B12 कम होने के 9 लक्षण। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों में ये जानकारी जरूरी है कि भाई मुझे B12 है करके लोग उसमें रह जाते हैं और बाकी इलाज नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।